जो लैपटॉप हमने लिया था ना वो अब चेंज करके हम लोगों ने मैकबुक प्रो लिया है। डाल लो गाड़ी अंदर। ओ भाई साहब, अपने YouTube फैमिली में एक और मेंबर जुड़ने वाला है गोप्रो। हाँ भैया, तो अभी यहाँ पे बारिश हो रही है और हम लोग पेट्रोल पंप पे रुके हैं, यहाँ इंतजार कर रहे हैं। बहुत तेज बारिश आ गई अभी एकदम से ना, बारिश स्टार्ट हुई बहुत अच्छा, हम लोगों ने इतनी इतनी से बूंदे पर गाड़ी रोक ली थी और धीरे धीरे करने वाले इतनी तेज बारिश आ गई थी बहुत ज्यादा। और आज का मौसम में हम सोच रहे थे मौसम अच्छा होने वाला है और ब्लॉग भी अच्छी होने वाली है आज, क्योंकि आज हम लोग दो चीजें परचेस करने वाले हैं। एक परचेस कर रहे हैं अपनी जो टी शर्ट हमने प्रिंट करवाई थी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी ना तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। किसी का भाई किसी के जान मूवी देखने गए थे हम लोग, वो उसके अंदर हम लोगों ने टी शर्ट पिन करवाई थी, तो अब वो टी शर्ट को हम लेने जाने वाले हैं। और एक चीज़ और लेके आने वाले हैं, वो मैं आपको वहीं पे बताऊंगा, वो भी मुझे नहीं पता कि वो मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इससे पहले हम लोग उसको रिवील नहीं करना चाहते। अगर मिल जाएगा तो आपको बता देंगे, नहीं मिलेगा तो फिर बता ही देंगे फिर बाद में, अभी तो सस्पेंस बना के रखो। हाँ भैया, तो बारिश हुई थी यार, मैं साथ जा रहे हैं, ये सो रहे हैं अभी भी मैं कह रहा हूँ सो रहा है अभी भी उठने का नाम नहीं ले रहे, बहुत नींद आ रही, खाना खाने के बाद ये नींद आने लगी, इसको आदत पड़ गई है। चलो भाई, अभी बारिश हल्की हुई है तो सोच रहे हैं हम लोग निकल रहे हैं, भाई बोले, भाई भी हमारे साथ जा रहे हैं तो बोले कि चलते हैं, इतनी हल्की बारिश में झेल लेंगे। हमने मुन्ने के ऊपर सर पे कपड़ा लगा दिया है, उसके तो सर नहीं भीगा लेकिन मेरा भी सर नहीं भीगा, इसका सर भीग जाएगा। बेटा तू बच के रही, तेरा सर भीग जाएगा। आइए भैया हमसे अभी कह रहा है कि इन्होंने आज तक कभी गाड़ी नहीं गिराई अपनी और आगे से मडगा टूटा पड़ा, पीछे की नंबर प्लेट भी टेढ़ी पड़ी है इसकी, तो मुझसे कह रहा है कि गाड़ी नहीं गिरी है मेरी आज तक अभी। ओ ओ ओ ओ ओ क्या, ओ भाई साहब पड़ रही अभी भी हल्की हल्की बारिश यार, फ़ोन को थोड़ी दिक्कत हो जाएगी लेकिन वाटर रेजिडेंट है ना फ़ोन, तो हमें थोड़ी बहुत दिक्कत नहीं आने वाली है, तो हम इतनी तो हमारा फ़ोन झेल ही लेगा, बाकी देखेंगे फिर बाद में। कैसे भैया, उसने तो सर पे ये वो गिरा दिया यार, उसके टायर की छींटे मुंह पे आ रही हैं। कैसी गाड़ी बनाते हो यार, टायर कैसा बनाते हो, ऊपर को आती हैं सारी, निकल निकल के हम यहाँ से निकाल ले रहे हैं, हटाओ। हम अपना रिस्क ले रहे हैं, व्लॉगिंग कर रहे हैं, इतनी बारिश में भी फ़ोन बिगा रहे हैं अपना। हाँ तेरी वाली कार है ये वाली गाड़ी, साहिल ने भी निकाली थी, इसने कितनी अच्छी मॉडिफाई करी, इसने कितनी अच्छी मॉडिफाई कराई है, और साहिल ने तो सारी गाड़ी अपनी बेच दी, गाड़ी वो भी गाड़ी बेच दी, कल बिक गई। अच्छा, 2 साल के बाद गाड़ी खड़ी हुई थी बाहरी रोड पे और 2 साल बाद बिकवा दी, इनको क्या हो गया भाई। अच्छा, ये लोग सब रुके हुए थे, अब जा रहे हैं धीरे धीरे करके सब लोग। अभी तो तुझे ठंड लग रही थी, हम तो मुझे लग रही ठंड यार, अभी अप्रैल का महीना चल रहा है हमारा, अप्रैल खत्म होने वाली है, मई स्टार्ट हो गई कल से मई स्टार्ट है, और मई के महीने में तेरे ठंड लग रही है, लगाओ। अब बारिश आना स्टार्ट हो चुकी है और अपनी व्लॉग्स फिर बारिश वाली बनाएंगे यार, मजा आएगा, बारिश में किसी ना किसी ट्रिप पे निकलेंगे हम लोग। मैं कह रहा हूँ ठंड तो नहीं लग रही है ना, मैं कह रहा हूँ धूल से लेके बारिश तक देख ली अब तो। हाँ भैया, तो अभी हम लोग झुमका चौराहे पहुँच चुके हैं और बारिश कुछ हद तक कम हो चुकी है, बबलिंग कर रही है गाड़ी यार। मैं कहा सीधे जा रहा हूँ, सीधे मैं इधर निकल जाऊँगा फिर, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। झुमका चौराहा वैसे ही बहुत फेमस है और हमारे यहाँ अभी एक ये गेट बन रहा है, तो उसके बाद में बरेली का जो मेन एंट्रेंस होगा ना बहुत बढ़िया होने वाला है, जो ही बरेली में एंटर करेगा उसको लगेगा कि हाँ अब कुछ अच्छी जगह एंटर करने वाले हैं हम लोग। हाँ भैया, तो अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद में हमें वो जो चीज़ लेनी थी ना वो यहीं से परचेज़ करने वाली, अगर मिलती है तो आप लोगों को बताता हूँ, नहीं मिलती है तभी आपको बता ही दूँगा। हाँ भैया, तो अभी हमारा काम हमारा डन हो चुका है और हम अभी जा रहे हैं घर पे, और हमने क्या लिया पता है, घर नहीं जा रहे ना अभी, तो अपने टी शर्ट लेने जा रहे हैं। हाँ, हमने पता अभी क्या लिया है, मैं हाँ लैपटॉप, जो लैपटॉप हमने लिया था ना वो अब चेंज करके हम लोगों ने मैकबुक प्रो लिया है, और मैकबुक प्रो देखेंगे चला के कैसा चलने वाली है, एडिटिंग भी उसमें करेंगे। और मौसम की बात ऐसी थी कि यहाँ पे बारिश नहीं हो रही थी, यहाँ बारिश स्टार्ट हो चुकी है, मौसम ठंडा हो चुका है और बाकी सब बढ़िया है। हम यहाँ से निकाल लेना, इतनी देर में तो हम यहाँ से निकाल लेंगे यार, पर कीचड़ है ना, क्या करें, पूरा रोड ख़राब पड़ी है, आगे के तरफ साइड से निकालूंगा, गाड़ी पूरी गंदी हो चुकी है क्योंकि कीचड़ बहुत है। ये जो रोड है ना ये अभी बन रही है, पूरा बरेली के अंदर रोड सारी बन रही हैं यार, कुछ रोड हैं जो अब बन चुकी हैं, और हमने अभी टी शर्ट प्रिंट करवाई थी ना उस टाइम, तो वो टी शर्ट अब हम लेने जा रहे हैं। चलो भाई, अरे तो वो रोड है, मैं तो गया हूँ इस रोड से। ओहो, ठंडी बढ़ चुकी है बहुत ज़्यादा। ओ भाई साहब, इतनी ज़्यादा यहाँ पे कीचड़, कहाँ से निकालूँ यहाँ से। ओहो, पूरी गाड़ी आधी से ज़्यादा डूब चुकी है हमारी,
तू गलत ही आया बेटा, उधर से ही चलते। डाल दूँ गाड़ी अंदर, रोड है, गाड़ी आ रही है। चल तू पकड़ के बैठ। बिस्मिल्लाह, बहुत बढ़िया। हल्के से पैर पानी में गए यार, लेकिन कोई नहीं, झेल लिया हमने। पैर धोने पड़ेंगे मेरे को। ओ भाई साहब, पूरे में हमने सन गए, पूरे कपड़े सन गए यार। ये देख पैर सब सन गए, कपड़े तो नहीं सने, कपड़े तो मैंने ऊपर कर लिए हैं, कपड़े सन नहीं सने। अभी हम आ चुके हैं किले पुल पे, और ये है हमारी फाटक, और यहाँ पे होती है चेकिंग, और ऊपर चल रहा है पुल। ये पुल ना बन रहा था पहले, और अब चालू हो चुका है। वैसे कि वैसे ये पुल बनने के बाद में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जाम पहले भी नीचे लगती थी और अभी भी जाम लग रही है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। भाई एक बात है, गाड़ी अपनी बाइक अगर हो ना, तो जाम में से आप जो ट्रैफिक है उसमें से आप आराम से निकाल सकते हो। अभी हमने जू 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 कर करके गाड़ी निकाल ली, और देखो कितनी आगे पहुँच चुके हैं हम लोग। चलो फाइनली हम लोग अभी ट्रैफिक से निकल चुके हैं, बहुत देर की मशक्कत के बाद ट्रैफिक हमारा ख़त्म हुआ है। अभी हम पहुँचे चौकी चौराहा, रेड लाइट, यहाँ से हमें सीधे जाना है। पहले रेड लाइट हुआ करती थी, सब रूल का पालन करते थे। चलो भाई ग्रीन हो चुका है, रेडी स्टेडी गो। अब तो रास्ता मैंने देखी है, ओहो 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 ओहो। भैया भैया भैया, इतना बड़ा राइडर मत बन, तीन को बिठा लेंगे। उसने पूरा एक्सलेटर जब दिया ना, मैं समझ गया कोई प्रो राइडर आ रहा है। वो कैसे कट मार रहा है देख रहा तू, मैं समझ गया कोई प्रो राइडर आ रहा है, जिसने एकदम से कट मारे ना। चलो भाई इस शॉप पे हम लोग आ चुके हैं, यहाँ से निकलवाएंगे अपनी टी शर्ट। तो अभी हम लोगों ने टी शर्ट ले ली है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रिंट लग रहा है हम लोगों को। बाकी प्रिंट हम लोग घर जाके देखेंगे, यहाँ पे ट्रैफिक का शोर ज़्यादा आ रहा है ना। और अभी कुछ लेने जा रहे हैं हम लोग, वही खाएंगे अब, एक एक पराठा, एक एक रोल खाएंगे, उसके बाद फिर हम घर के लिए निकलेंगे। हाँ भैया, तो अभी हम लोगों ने टी शर्ट ली, और टी शर्ट घर जाके देखेंगे हम लोग कैसी हैं टी शर्ट, मतलब ट्राई करके देखेंगे हम लोग। और अभी का सीन ऐसा है कि हम लोग जाए थे रोल खाने के लिए, लेकिन रोल खाने हम लोग नहीं जा रहे हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं गोप्रो परचेज़ करने के लिए, क्योंकि हमारी जो डील हो रही थी ना, वो गोप्रो की रुको हुई थी, और अभी हमारी डील डन हो चुकी है गोप्रो की। और साहिल एक नया गोप्रो परचेज़ करने वाला है, मतलब नया तो नहीं है भाई, सेकेंड हैंड है, लेकिन हमारे लिए नया है वो। अपने यूट्यूब फैमिली में एक और मेम्बर जुड़ने वाला है गोप्रो, जैसे कि अभी हमने एक मैकबुक जोड़ी है, वैसी एक और मेंबर जोड़ेंगे हम वो गोप्रो। आज वैसे दो मेंबर जुड़े आएंगे, वरना हमारे पास एक मेंबर होता, लेकिन अभी हमारी डील पक्की हो चुकी है, तो हमारे पास में दो मेंबर और जुड़ चुके हैं। फिर से हमारा वही ट्रैफिक की मशक्कत, और ट्रैफिक की मशक्कत बहुत ज़्यादा रहेगी यहाँ पे, अब तक ओवरब्रिज स्टार्ट नहीं होगा हमारा। एक एक पराठा खा ले रहे हैं हम लोग, ज़्यादा नहीं खाएंगे, क्योंकि हम लोग ना कोई चीज़ अगर आप लोग खाओ और वो ज़्यादा ही खाओ, मतलब जैसे अभी एक खाने की बात चल रही है, अब हम लोग पाँच खा लें और अगले बार हम लोग खाएंगे तो हमारा मन नहीं भरेगा, मन करेगा नहीं, क्योंकि उस चीज़ से मन भर जाता है। थोड़ा खाओ कि हमेशा के लिए वो खाते रहो, ज़्यादा खाओगे तो एक बार में मन भर जाएगा। सिम हमारे साथ एक बार हुआ था कि हम लोग घर पे बनाते थे वाइट रसगुल्ले, एक बार हमने कुछ ज़्यादा ही मीठे करके बना दिए और ज़्यादा ही खा लिए। तब से लेके आज तक, बचपन से लेके अब तक, मैं वाइट रसगुल्ले में ज़्यादा पसंद नहीं करता। आ गए हम लोग अपनी पुरानी लोकेशन।
हाँ भैया कैसे हो? तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे खा लेंगे, तो खा लिया हम लोगों ने, बड़ी टेस्टी बनाते भैया, सच में बहुत मजा आता है। पिछली बार बताया था, इस बार ही बता रहा हूँ, इसने भी खा लिया। अभी हम लोग जा रहे हैं अपना नया मेहमान लेने के लिए, मतलब अपनी नया मेंबर, अपने इसके चैनल का नया मेंबर आने वाला है। एक मेंबर इसके बैग में रखा हुआ है, हाँ घर जाके वो दिखाएंगे। एक मेंबर आने वाला है, एक मेंबर से बैग में रखा हुआ है, आप देखते हैं वो कैसा चलता है। उसके लिए आप लोगों को इसको देखना पड़ेगा मेरे चैनल पे, तो आपको थोड़ी थोड़ी अपडेट मिलेंगी, सारी अपडेट आपको इसके चैनल पे मिलेंगी। हाँ भैया, तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे फिर से आए थे और अपना सामान सारा ले लिया। अब जो सामान लिया ना, जो अपने नया मेंबर लिया, वो घर जाके दिखाने वाले हैं आपको। और नया मेंबर आने के बाद में भी ये वाला मेंबर हमारा धोखा दे रहा है, स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो भैया ने बाय कर दिया। यहाँ से हम लोग फिर से जा रहे हैं और हमारा जो काम था वो हो चुका है। तू भौंकते रहे, बड़ा भौंकता है यार ये। चलो अभी हमारा न्यू मेंबर आ चुका है और इस मेंबर की टेस्टिंग हम या तो कल करेंगे। अभी हम लोग फाइनली घर की तरफ जा रहे हैं और इधर की रोड सिंगल है, क्योंकि उधर वाले रोड इन्होंने बंद कर दिए ना, तो हम सिंगल रोड से चल रहे हैं। और इस जो न्यू मेंबर की टेस्टिंग है ना, वो कल करेंगे, क्योंकि शाम अंधेरा वैसे ही हो चुका है, मज़ा आएगा नहीं। कल हम लोग राइड पर जाएंगे इस वाली नई मेंबर की टेस्टिंग करने के लिए, अपने हेलमेट के अंदर लगा के माउंट करके। यहाँ आने के बाद हमें दिल्ली वाली फीलिंग आती है। हाँ भैया, तो अभी हम लोग आ रहे थे घर पे और हमें ये भाई मिले हैं जो कब से हॉर्न दे रहे हैं यार, करके देख दे भाई ने, देखो फूल लगा रखे भाई, गुस्से में जला रहे हैं क्या फूल वूल सब टायर पे, ओ हो रस्सी झुमका। हम लोग आ चुके हैं और ये भैया हमारे साथ कब से हॉर्न बजा रहा है भाई, ये कब से हॉर्न बजा रहा है, मूड खराब कर दिया इन्हें हॉर्न बजा बजा के। मैं इतने सोचा ये हॉर्न बजा कौन रहा है यार, ये बंदा बजा रहा था हॉर्न। और देखो इनके फूल वूल सब लगा रखे हैं, पूछूंगा भैया अभी, तारीफ करते हैं गाड़ी की, देख उसकी अभी कहाँ चला रहा है भाई साहब ये, भाई इधर को लिया गाड़ी, मूंदे आ गई है। मुझे लग रहा है कि मुझे फोन अब अंदर रखना पड़ेगा अपना, ये नहीं मानेगा यार, ये नहीं रुक पाएगा, बहुत तेज चला रहा है यार, हम 60 पे फेल हो गए, हमें ठंड लग रही है, जाओ हम तारीफ नहीं करते तुम्हारी गाड़ी की। चलो फोन हम अंदर रखते हैं, उसके बाद हम लोग मिलते हैं चाय पीने के टाइम पे। चलो भाई, अभी हम लोग बारिश हो रही है और हम लोग फतेहगढ़ जाके रुक गए हैं और यहाँ पे हम लोगों ने पकौड़ी लगवाई है। हाथ सुन पड़े हैं बिल्कुल, चल भी नहीं रहा आज यार, मतलब मई में इतनी ज़्यादा ठंड है भैया, हाथ सुन रहा है, ऐसा सुन लो मतलब सुनला वाली फीलिंग आ रही है, पूरा भीग चुका हूँ यार मैं, ये आगे से भीग चुका हूँ, हाथ वगैरह सब भीग गया है। ये तो भैया मेरे से कवर था, जैसे वैसे बच गया, मैं पूरा भीग गया। तो अभी हम लोगों ने पकौड़ी पैक करवा रहे हैं और अभी यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं और कहीं की डेस्टिनेशन है, वहीं रख के हम लोग पकौड़ी खाएंगे। हाँ भैया, तो अभी हम लोग आए थे और आने के बाद में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो मैं कुछ दिखा पाया। अभी हम लोगों ने कपड़े, मतलब मैंने कपड़े चेंज किए हैं और कपड़े चेंज करने वाले अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि मैं हम लोग क्या क्या लेके आए हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने मैकबुक खरीदी थी, जो मैं आपको बताया था, तो मैकबुक का भी मैं लुक दिखा रहा हूँ आपको। यह है लुक, अभी ठंड लग रही है ना, तो ये सब बिछाया हमने भी। यह है मैकबुक यार, थे एप्पल जल रहा है, अच्छे से एप्पल जल रहा है, और इधर ये है, और मतलब बढ़िया है, मतलब कंडीशन बहुत बढ़िया है। और अभी हम लोग छोटा मेहमान दिखा रहे हैं आप लोगों को, हम छोटा मेहमान लेके आए, बस मेमोरी कार्ड नहीं था, ये छोटा मेहमान वही दिख जाता आप लोगों को, ये है छोटा मेहमान। तो ये दो चीज़ें लेके आए और इसकी टेस्टिंग हम लोग कल करने वाले हैं, हमें दो बैटरी मिली है। अब इसका जो हम लोग करने वाले ना, इसकी टेस्टिंग वो कल करेंगे, क्योंकि इसका जो केस है ना, वो हमें अभी हमारे पास में नहीं है, तो देखेंगे कैसे कैसे इसको सेटअप करना है, यूट्यूब पर चेक करेंगे। अभी हम वीडियो को ख़त्म कर रहे हैं और इसका वाइड एंगल बहुत बढ़िया आएगा, मतलब हम लोगों ने वाइड एंगल के लिए ही कैमरा परचेस किया है वाला। तो अब लोग हम लोग टेस्टिंग करेंगे इस कैमरे कल को, बाकी सब बढ़िया है। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। खुश रहो, मुस्कुराते रहो डेली यहाँ पे।